हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी मसाले वाली यानी कि मसालेदार घुइया की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी पराठा पूरी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो एक बार इसे ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं अरबी मसाले वाली। इसके लिए मैंने 400 ग्राम के आसपास घुइया ली है। इसे मैंने एक सीटी देकर पहले से ही बॉयल कर लिया है। दोस्तों, इसे छीलने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसे पूरी तरह से ठंडा ना होने दें। इसे एक सिरे से हल्का सा छीलकर पीछे से पुश करें, ये देखिए पूरी तरह से क्लीन होकर निकल आती है। इसे छीलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। इस तरह से हम सारी अपनी अरबी को छील लेंगे। ये देखिए हमारी सारी अरबी छिलकर तैयार हो गई है। अब इसके जो बड़े पीस है उन्हें हम दो भागों में कट कर लेंगे। ये हमारी अरबी तैयार हो गई, तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। एक पैन में मैं 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल का डाल रही हूँ। दोस्तों, अगर आप मस्टर्ड ऑयल में सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून अजवाइन का डाल रही हूँ। साथ में 2 ग्रीन चिली मैंने काट ली थी वो डाल दूँगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा वो कटा हुआ डाल दूँगी। 1 पिंच हींग का डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें मैं अरबी को डाल दूँगी बॉयल की हुई, और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर का डाल दूंगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दूंगी। इन्हें मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून मैंगो पाउडर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला का डाल दूँगी। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी मसालेदार अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से हम हरे कटे धनिए से गार्निश कर देंगे इसको। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। तो दोस्तों, एक बार इस मसालेदार सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ये आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको हमारी मिलती रहे। थैंक यू।